दोस्तों आप देख रहे हैं क्रिकेट शो दोस्तों आपके साथ अपडेट शेयर करते हैं फखर जमान और इमामुल हक के जो फैंस हैं उनके लिए बुरी खबर सामने आई है कि फखर जमान जो है अगले दो मैच से बाहर हो गए हैं और उसकी वजह यह है कि फखर जमान को गुजश्ता मैच जो खेलेगा सिंध के खिलाफ केपी का उसमें फखर जमान ने लाजवाब बैटिंग की थी लेकिन फखर जमान को हाथ के ऊपर चोट लगी जिसकी बदौलत अब फखर जमान अगले दो मैचज़ से बाहर हो गए हैं जी हाँ ये बुरी खबर है फखर जमान के फैंस के लिए जो फखर जमान को इन एक्शन देखना चाहते थे लेकिन अब फखर जमान हाथ की चोट की वजह से अगले दो मैचज़ से बाहर हो गए हैं और अगर इमाम की बात करें तो गुज्तर मैच में इमाम भी बाउंड्री से टकरा गए थे और जिस वजह से जो हक हैं वो भी बाहर हो गए और इंजरी का शिकार हुए अब देखना होगा कि इमाम का ब्रिक रिकवर करते हैं अभी उनके बारे में कुछ अपडेट नहीं सामने आई है लेकिन जो फखर है वो अगले दो मैच से बाहर हो गए इमाम को देखते हैं कि वो उनको कितना रेस्ट दिया जाता है कितने मैच से बाहर होते हैं इमामुल हक को दोस्तों ये अपडेट थी मेरा